रामायण में भाइयों के प्रेम की अनुपम गाथा है। जब ऐसा कोई कहता है तो आपके मन और मस्तिष्क में श्री राम लक्ष्मण, श्री राम भरत, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जोड़िया नजर आती होगी। परंतु रामायण में एक अद्भुत भाई और भी है, उसका नाम है कुंभकर्ण। जी हां, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को जब नींद से उठाया गया और सारी बात बताई गई तो पहले तो उसने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि श्री राम से बैर छोड़कर सीता मां को लौटा दे। परंतु जब रावण नहीं माना तो कुंभकर्ण युद्ध की ओर चला। तब विभीषण ने कुंभकर्ण को समझाने की कोशिश की कि रावण को छोड़कर राम के साथ आ जाए। तो कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा कि जिन राम की शरण में तुम गए हो उसके छोटे भाई से भ्रातृ प्रेम की कुछ तो सीख ली होती, कुछ तो सीख ले ली होती लक्ष्मण से। यह बात विभीषण जी को नहीं समझ में आई, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जैसा प्रेम लाने के लिए भाई भी तो राम जैसा होना चाहिए। ऐसे में कुंभकर्ण ने कहा कि यदि बड़ा भाई राम जैसा हो तो कोई भी छोटा भाई लक्ष्मण जैसा बन सकता है, परंतु वास्तव में तो प्रेम की परीक्षा तभी है, प्रेम की पराकाष्ठा तभी है जब बड़ा भाई रावण जैसा हो तो भी छोटा भाई उसका साथ न छोड़े। ये थी कुंभकर्ण की भावना। मैं जानता हूं कि आप सभी तब भी कुंभकर्ण को गलत मानते हैं, मैं भी मानता हूं। परंतु उसका भ्रातृ प्रेम, उसका अपने भाई के प्रति प्रेम अनुकरणीय है। यह छोटी सी गाथा हम सबको यह सीख देती है कि भले ही बड़ा भाई राम जैसा न हो तब भी छोटे भाई को अपने भाई के प्रति जो धर्म है, जो प्रेम है, वो निभाना चाहिए। जय श्री राम।